हे व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, बल्कि स्टार है। सो गाइस, जैसा कि पहले तो मैं बात ही कर लेता हूँ कि मैंने कहा था कि मैं आयरन फार्म पे वीडियो डालूँगा, लेकिन मैंने जो है अपने आयरन फार्म को 1.15 बीटा में टेस्ट कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो उसके अंदर भाई वो 10 गुना बेहतर काम कर रहा है, लाइक रेट्स बढ़ चुके हैं भाई। जो मैंने लाइक थंबनेल में ना, उस वीडियो के थंबनेल में जो इतना भी रेट डाले हैं ना, लाइक 200 जितने भी, उसको ना भाई 10 टाइम्स कर लो, क्योंकि भाई वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एंड कई लोग तो ये भाई देखो कह रहे थे तुम कमेंट्स में कि छोटा आयरन फार्म बनाओ। भाई देखो, छोटा आयरन फार्म बनाना बेडरॉक में बिल्कुल नामुमकिन है, लाइक कोई भी इंसान नहीं बना सकता। क्योंकि बेडरॉक में हमें क्या चाहिए कि हमें 10 विलेजर्स और 21 बेड चाहिए एटलीस्ट एक आयरन गोलम को स्पॉन करवाने के लिए। वहीं जावा एडिशन में हमें 4 विलेजर और 4 बेड चाहिए। तो देख लो, जावा एडिशन में बनाना तो आसान है छोटा आयरन गोलम फार्म, लेकिन बेडरॉक में बनाना नामुमकिन है भाई, ठीक है। तो यही रीज़न है। एंड भाई वो वाला काम फार्म है जो मेरा अच्छी तरीके से काम कर रहा है भाई, वही वीडियो देखो जाके, उसको कर लो। उसके अलावा तो मुझे और कोई फार्म नहीं है। एक और फार्म है जो मेरे पीछे है, वो ओल्ड गाय का फार्म है, लेकिन तुम्हें उसमें चंक लाइनिंग एटोल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वो तो नहीं मैं शो कर पाऊँगा। तो लेकिन चलो आज की वीडियो में चलते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं एक चिकन कुकर जो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, क्योंकि भाई ये बहुत ओपी फार्म है ये चिकन कुकर, ठीक है ना। तो मैं ज़रा फर्स्ट पर्सन में आता हूँ एंड फिर हम थोड़ी सी बात करते हैं इस पर, एंड फिर हम जो है ट्यूटोरियल मैं देता हूँ इसके बारे में। तो ये देखो भाई, क्राउच नाउ, ये देखो चिकन कुकर, ये देखो भाई ऑटोमेटिक कुक करता है भाई चिकन्स को, ये ऑटोमेटिक बताऊँ कैसे काम करता है। देखो, जब ये चिकन्स जो हैं एग ले करते हैं तो हॉपर में जाता है वो एग, और हॉपर में जो एग है ना वो एक सिग्नल भेजता है इस कंपैरेटर के थ्रू, जो इस रेडस्टोन को एक्टिव करता है, और ये रेडस्टोन इसको एक्टिव करता है। देखो दोबारा एक्टिव हुआ ना, तो जब ये एक्टिव होता है ना तो होपर जो है भाई बस, ठीक है ना। तो जो होपर तो है अंडा डिस्पेंसर में भेज देता है, एंड ये जो वो है ना ऑब्जर्वर, इसको देखो सिग्नल भेजता है, और डिस्पेंसर जो है एग को ब्लास्ट कर देता है ये सामने। तो यहाँ पे जब चिकन, हर अंडे से देखो चिकन नहीं निकलता, लेकिन जिस चिकन जिससे निकलता है निकल जाता है। एंड तब ये बड़े होते हैं तो अपना सर उसमें, इसका सर लावा में लगता है और ये मर जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। तो ऐसे काम करता है और ऑटोमेटिकली काम करता है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं, तो मैं ज़रा एक जगह ढूंढ लेता हूँ, यहीं बनाते हैं। तो इसके लिए मैं मटेरियल इस तो देखो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका टेंशन मत लो तुम। एंड चलिए, तो पहले मैं अपना सबसे प्यारा ब्लॉक स्मूथ स्टोन, देन वी नीड अ होपर, अ स्लैब, स्लैब ये नहीं, ये वाली स्लैब, एंड अ चेस्ट। सो ये रही चेस्ट, एंड चलो आराम से दो सेकेंड। सो पहले आपको क्या करना है, आपको रखना है यहाँ पे ये, आपको होपर लगाना है इस पर, एंड इसी होपर के ऊपर आपको लगा देनी है स्लैब। तो ज़रा हम इसे डबल चेस्ट बना देते हैं जस्ट इन केस। तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए डिस्पेंसर, अरे डायमंड नहीं रहे भाई, डिस्पेंसर चाहिए, क्या है यार डिस्पेंसर, ठीक है डिस्पेंसर लगाना है ऐसे, सही है। अब डिस्पेंसर के ऊपर ही हमें लगाना है होपर, ये भी हो गया भाई। अब ज़रा सा ग्लास ले लेते हैं ताकि दिखे तो सही हमें क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे ये, और यहाँ पे हम ब्लॉक्स लगा देते हैं जस्ट इन केस। लो भाई ये तो हुआ, अब लगाना है हमें लावा। लो भाई किलिंग चेम्बर तो गया बन, ठीक है ना। अब हमें बस बनाना है कि जहाँ पे हम इन्हें रखेंगे इन चिकन्स को। सो इसको फिलहाल के लिए, हाल फिलहाल के लिए बंद करते हैं, एंड बस आप वो बना लेना है प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम चिकन्स को रखेंगे, एंड यहाँ पे स्लैब्स भी लगा देते हैं ताकि ये बाहर ना निकले। तो भाई रखने का मैकेनिज्म भी तैयार हो गया। अब जो है हम इसे ऑटोमेटिक बनाना है, तो हमें चाहिए सम बेसिक रेडस्टोन थिंग्स, हमें चाहिए रेडस्टोन डस्ट, रेडस्टोन ये कंपैरेटर, हमें चाहिए ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ये रहा, एंड वी नीड पिस्टन, यस पिस्टन, पिस्टन जो कौन सा चाहिए, स्टिकी पिस्टन चाहिए, एंड बस। एंड हमारे स्मूथ स्टोन भी हम ले लेते हैं। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे दो ब्लॉक्स लगाने हैं, एक कंपैरेटर लगाना है इस तरफ देख के ऐसे,
ठीक है, दोबारा लगाता हूँ मैं, अरे नहीं दिखा तो, ऐसे लगाना है उस तरफ देख के, ठीक है। एक रेडस्टोन सिग्नल, एक स्टिकी पिस्टन, और स्टिकी पिस्टन को, ठीक है पिस्टन तो ठीक है, एंड एक होपर लगाना है आपको उस तरफ देखते हुए, और इस स्टिकी पिस्टन पे हमें लगाना है होपर इस तरफ देखते हुए। भाई बन गया, ये रहा भाई सारा का सारा डिज़ाइन। तो अब मैं देता हूँ थोड़े से एग, दिखाता हूँ तुम्हें। तो बेसिकली जैसे हम इस डिस्पेंसर में एग, सॉरी होपर में एग डालूंगा, देखना क्या होगा। देखो ये सिग्नल ब्लास्ट कर रहा है, और ये देखो यहाँ पे चिकन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चिकन जब बड़े होते हैं तो लावा में अपना सर टकराते हैं, एंड फिर जो है हमारे पास सारा कुक चिकन यहाँ पे आ जाता है। एंड आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे चिकन रख सकते हो, एंड चिकन्स को सीड की मदद से आप इनको यहाँ ब्रीड करवा सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चिकन हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग मिले। सो गाइज, ये तो हुआ, ये तो हो गया तैयार, देख लो। आई थिंक कुछ और तो नहीं जा रहा, नहीं सब कंप्लीट है। ये रहा चिकन कुकर। एंड गाइज, चलो हम अपने थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, आउटरो भी तो करना है ना भाई, ठीक है ना। एंड सो गाइज, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर तो रहने देना तुम, और सब्सक्रिप्शन ज़रूर, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है यार, ठीक है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी।